आज हम शेयर कर रहे हैं कॉफ़ी की रेसिपी जो कि बिल्कुल कैपेचिनो स्टाइल में है। अब इसे पीने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कैपेचिनो बनाएंगे घर पर ही, वो भी बिना मशीन के, बहुत ही आराम से। और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत कम ही चीज़ों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए कॉफ़ी, शुगर, वाटर और मिल्क, इनसे हम कॉफ़ी तैयार करते हैं। ये मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी ली है नेस्कैफे की, और 1/4 कप ही पानी लिया है। जितनी कॉफ़ी है उतना ही हमें पानी लेना है, और शुगर हमें इसकी जस्ट डबल लेनी है, यानी 1/2 कप हमने शुगर ली है। तो इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक गहरा बोल लेते हैं, उसमें तीनों चीज़ें डाल देते हैं, कॉफ़ी, शुगर और पानी। पानी यहाँ पे लुक वार्म लिया है जिससे कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बस इनको अच्छे से डिज़ोल्व करना है। इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली ये विस्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे यह है कि टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी, और चाहें तो फोक से कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इसमें भी मेहनत और टाइम दोनों ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करा है। तो बस इसको हम जो सबसे कम इसकी स्पीड होती है, लोएस्ट स्पीड पे इसको हमने सेट करा है और इसको बीट करते हैं। हमें इसको तब तक फेंटना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हर 1 मिनट के बाद बीटर को रोकेंगे और दोबारा से इसको बीट करेंगे। बहुत तेज़ी से इसका कलर चेंज होता है और ये गाढ़ी होती जा रही है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिकनेस की तरफ आ रही है और कलर भी इसका चेंज हो रहा है। अब साइड से स्क्रैप करके इसको चारों तरफ से इकट्ठा करके इसको बीच में कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो साइड में शुगर के दाने लगे हुए हैं, कॉफ़ी लगी हुई, वो भी बीच में आ जाए। और इसको दोबारा से बीट करते हैं, और स्पीड को हमें लो रखना है। लो स्पीड पे ही हम इसको बीट करेंगे। देखिए ये बिल्कुल वाइट होती जा रही है, अभी हमें इसमें शुगर के दाने नज़र आ रहे हैं। थोड़ा और बीट करना है। तो टोटल ये 4 से 5 मिनट में सारी कॉफ़ी हमारी बीट हो जाती है। इसके डायरेक्शन चेंज कर करके हम इसको बीट करेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो गया है, बहुत ही क्रीमी और स्मूथ है, बहुत अच्छे फोम क्रिएट हुए हैं। देखिए कितनी हाई पीक इसकी बनी है, ये इसकी पहचान है कि कॉफ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है और ये ड्रॉप भी नहीं कर रही है, यानी गिर भी नहीं रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसका कलर, टेक्सचर सब देख सकते हैं, स्पून से देखिए कितने अच्छे फोम क्रिएट हुए हैं। अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं और फ्रिज में इसको रख देंगे, और इसको हम 1 हफ्ते के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ 1 कप कॉफ़ी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एक पॉट में 1 कप दूध गर्म करा है, और गर्म होने के साथ ही मैं इसमें विस्क चला रही हूँ जिससे कि दूध में भी फ्रोथ क्रिएट हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जो मिक्स कॉफ़ी की मशीन होती है वो भी इसी तरह से झाग बनाती है, दूध में झाग बनाकर ही हम कॉफ़ी में ऐड करते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और तब तक हमें इसको फेंटना है जब तक कि दूध में झाग नहीं बन जाती। देखिए काफ़ी झाग बन चुके हैं। अब 1 कप लेते हैं और उसमें जो हमने ये कॉफ़ी का फोम तैयार करा है ये डालते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 1.5 स्पून कॉफ़ी का इस्तेमाल करा है, और इसको कप में अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ऐसा करने से जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो पूरे में अच्छी तरह से आएगा, और जो हमने ये फ्रोथ वाला मिल्क तैयार करा है झागदार, उसको कॉफ़ी में ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करेंगे कि वो और थोड़े से झाग बन जाए, और हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हैं। देखिए कितना गाढ़ा टेक्सचर तैयार हुआ है। अब 1/2 स्पून कॉफ़ी लेकर ऊपर से इसको डालते हैं, और इसे भी चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे और इसको सेट कर देते हैं।
अब इसको कॉफ़ी पाउडर या कोको पाउडर से थोड़ा सा डेकोरेट कर दें। मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का इस्तेमाल करा है। तो मज़ेदार सी कैपेचिनो स्टाइल में कॉफ़ी तैयार है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही इजी रहता है, इसे बना के स्टोर कर लीजिए और जब भी कॉफ़ी पीनी है या किसी कोई गेस्ट को सर्व करनी है तो बस उसमें दूध ऐड कर दीजिए और ये मज़ेदार सी कॉफ़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।